वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने क्या कहा, वर्क और एनर्जी के रिलेशन की बात करी है, ठीक है। मैंने कहा कोई भी बॉडी कितना भी वर्क करेगी वो आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, किसी बॉडी के पास 400 जूल मान लेते हैं एनर्जी है, ये उसके पास इनिशियल कंडीशन में थी, बाद में देखा उस पर 200 ही या 200 या 100 बची, 100 जूल एनर्जी उस पर फाइनली बची। पहले मैंने देखा था उसके पास 400 जूल एनर्जी थी, बाद में देखा तो उसके पास 100 जूल एनर्जी बची है, इसका मतलब 300 जूल कहीं खर्च हो गई है, ठीक है। अब वो 300 जूल कहाँ खर्च हुई होगी सर, 300 खर्च तो हुई है, वो कहाँ हुई होगी सर, उस बॉडी ने कुछ ना कुछ वर्क डन करा होगा, ये बात आ रही है समझ। इसका मतलब सर ये 400 माइनस 100 कर सकता ना मैं सर, 400 माइनस 100 इज इक्वल टू वर्क डन सर, ये क्या था इनिशियल बोल दो और ये फाइनल है सर, ये क्या है, ये तो अंतर है सर, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी का अंतर, तो मैं बोलूंगा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में आई हुई है। उसके लिए कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ बॉडी ली जिसका मास एम लिया और मैंने माना इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी वन थी और इस बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाने के बॉडी बाद यहाँ पहुंच गई और अभी भी इसकी वेलोसिटी वी टू है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो एक्सलेरेशन होगा, एक्सलेरेशन का मतलब जब वेलोसिटी टाइम के साथ बदलती है तो एक्सलेरेशन पैदा होगा, तो यहाँ इसका मतलब एक्सलेरेशन पैदा होने वाला है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितने करी बॉडी ने, एस, यही बातें मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब मोशन हो रहा है तो मोशन की इक्वेशन लगेगी, मैंने थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या थी, यू क्या था मेरे पास, वी वन था, यू की जगह मैंने वी वन लिखा, ठीक है। और मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या बोला था, वी टू, तो वी की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी टू लिखूंगा। आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो एस को मैंने ऐसे माना है यहाँ, तो 2as। एक्सलेरेशन निकाल दिया, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 2s यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। और साथ के साथ इस बॉडी पे क्या लगा था, फोर्स लगा था, तभी तो बॉडी मूव करके गई थी, बॉडी पे क्या लगा था, फोर्स लगा था, वो एक्सटर्नली लगा था ना, बाहर से लगाया था किसी ने, तो बॉडी पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगा लगेगा तो हमने पढ़ा है ना, फोर्स इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है हमने, एफ इक्वल टू एम ए, एक्सलेरेशन मैंने यहाँ निकाला आपके पास, एक्सलेरेशन की वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी, एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ मैं फोर्स निकाल चुका हूँ, मैं यहाँ वर्क डन निकालता हूँ कि बॉडी ने कितना वर्क डन करा है, ठीक है। बॉडी का मैं क्या निकाल रहा हूँ, इस बॉडी ने कितना वर्क डन करा है जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा था, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बॉडी ने वर्क कितना करा आपके पास, तो वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है सर, एफ डॉट एस पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। सर ये डॉट को हटाने का तरीका क्या था, एफ एस कॉस थीटा। सर ये थीटा क्या है आपके पास, सर ये एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स भी इधर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुई है, तो एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री, तो जीरो डिग्री होगा आपके पास, तो थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री, कॉस जीरो कितना होता है, वन। सर इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी, एफ की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, एफ की वैल्यू ये थी, मैंने एफ की वैल्यू पूरा यहाँ लिख दिया और एस का एस लिख दिया, कॉस जीरो वन। सर ये एस से एस कटेगा तो कितना बचा एम, अब देखो एम को मैंने मल्टीप्लाई भी करूंगा, ब्रैकेट में क्या है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, बाकी सारी चीज कैंसिल आउट हो चुकी है, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा, एम वी टू का स्क्वायर बाई टू माइनस एम वी वन का स्क्वायर बाई टू। सर ये हाफ लग नहीं रहा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो सर ये काइनेटिक एनर्जी है, देखो वी टू है ना, वी टू, वी टू का मतलब ये तो फाइनल वाली कंडीशन है, तो सर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये क्या एम वन है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सर ये तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहां से हमारी ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रहे।